सबसे पहले तो जे भी भोजपुरी दर्शक हम श्याम दादी हाथ जोड़ के नमस्कार कर सी। और आप सबके पता है कि हम पहले तो राइटर हैं, ओकरा बाद बहुत हमारा लिखल गाना पर दिनेश लाल, पवन सिंह, खेसारी लाल, रवि किशन, मनोज कुमार सब को नचले बा। बाय चांस हमरो आज अपना खुद लिखल गाना पर नाचे का मौका मिलता तो टॉप तो तनिक बा, लेकिन अच्छा बाटे यू कह के आदमी देखा था कि का हो सकेला। श्याम जी मुश्किल क्या है, गाने लिखना ज़्यादा मुश्किल है या फिल्मों में काम करना मुश्किल है, क्या फर्क? अगर मुश्किल पूछे में तो मुश्किल सबसे बा सोचल, क्या तो सोच सोच के तो हम किस रोज रात के अपने सोचे ला तो किस जर जाता। अगर राइटिंग और एक्टिंग में रह पूछे में तो राइटिंग टफ बा, एक्टिंग ठीक ठाक बा, जरा आओ तो खतरा को बात नहीं है, जरा नहीं आओ तो खतरा टफ बा। लेकिन हाँ एक्टिंग भी अच्छा बा, आज हमारा करे का मौका मिलता। हमारे प्रोड्यूसर राजेश जी हैं, डायरेक्टर बाली जी, ये लोग के माध्यम से हमारा आज एक्टिंग करे के मौका मिलता, जर खातिर हम लोग बहुत बड़ा भारी बनी। और बाकी जनता जनार्दन पर बाकी हमारे फिल्म आवता तो जरा हमारा गाना के प्यार मिलल बा आज तक, वही तरह पहले का बार एक्टिंग का प्यार आवतनी, जो हीरो आवतनी तो सबके हमारे का प्यार दे और आगे बढ़ाओ। श्याम जी एक आखिरी सवाल, रानी दिलो जानी में क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जी? ये फिल्म बटे कि वो गांव के लड़का रहता है सर, तो उन्हीं का शौक बा हीरो बने के, जैसे आजकल हर यूपी बिहार में सब केहू के शौक बा, जे भी नौजवान बटे उनके शौक बा कि हम हीरो बन जाए, तो हीरो बने के शौक बा लड़का के। तो उत्साह कहता कि रानी चटर्जी के बहुत बड़ा फैन बा, तो सोचे थे कि हम हीरो बन जाए, तो वे लाइन बटे कि सपना लेके पहले कैसे हीरो बनी तो पता चलता कि एल्बम बनाव पड़ी, जैसे निरहुआ के एल्बम बनल, पवन के एल्बम बनल, तो वही टाइप के एल्बम बनाता अपन पहले हीरो बनने से पहले जो एल्बम हम हिट हो जाए तो जितना ही लोग हीरो बनल हमू बन जाए तो एल्बम फ्लॉप हो जाता, तो जब कर्जा पता ही लेके एल्बम बने ले तो लोग कहता पैसा मांगता अपन, तो वहाँ से मुंबई भाग के होता कर्जा से बचे खतरा। और यहाँ स्ट्रगल कैल के बाद बावजूद बहुत दिक्कत होता, इतना दिक्कत आने के बाद काम जब नहीं मिलता आखिरी में सोचे था कि अब घर चल जाए। वैसे कुछ कहानी घुमाओ बाकी कि एक टाइम पे कि बहुत बड़ा एल्बम जो फ्लॉप हो चुकल बा, एक बार हिट हो चुकल, हिट हो जाता जो आजकल होला बिहार में, तो उस हिसाब से हम स्टार बन जाता नहीं, सब पूरा बढ़िया बहुत बढ़िया रानी के साथ पहले का काम जो सपना लेके हम आइल बन के रानी संगे काम करें, तो रानी के संगे हमारा सपना पूरा हो जाता, वो गाना होता रानी के संगे एगो गाना में हम पूरा स्टार बन जाता नहीं, जौन के हर फिल्म के लास्ट में होला फिल्म में भी बा। तो सब दर्शक लोग के कुछ अलग देखे के मिली, कॉमेडी बा, रोमांस बा, एक्शन बा। आई पहला फिल्म बा जाना फिल्म के अंदर लगभग 7-8 गो हीरोइन बा लोग जै के मतलब गेस्ट अपीयरेंस में अगर कहल जा सकता कि आदमी ले ले बा, तब पहलका बार पब्लिक आई तो बोर ना हुई हमनी के नया बन जाए, लेकिन बाकी जितना लोग बा बीच के हमनी के को आर्टिस्ट सब के नामी बात है, कुणाल जी, अधीर जी हैं, सुभी जी, अंजना सिंह जी हैं, रानी चटर्जी हैं, पाकी जी हैं, मोनालिसा जी हैं, विराज भट्ट हैं, जैसे बहुत सारे नाम हैं इस फिल्म में जो आप लोग देखेंगे तो खुशी से मतलब गदगद हो जाएंगे। तो मैं आग्रह करूँगा आपसे हाथ जोड़ के विनती करें कि आप लोग नज़दीकी सिनेमा में आकर वह देखी और हमारा फिल्म रानी दिलवर जानी के बहुत बड़ा हिट बने। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।